इन चार स्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। नंबर वन है जब आप गुस्से में हों। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग काम करना कम कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद कर देगा तो आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर बैठेंगे जिससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा, और हो सकता है आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठें। श्री कृष्ण जी ने तो कहा है कि सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है तो सोचने समझने की शक्ति भटक जाती है, और जब सोचने समझने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश होता है। नंबर दो है जब सामने वाला गुस्से में हो तो उस वक्त भी शांत रहें। हाँ, जब सामने वाला गुस्से में हो तब भी आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला गुस्से में होता है और उस वक्त आपको लगता है कि आपके बोलने से स्थिति और ख़राब हो सकती है, तो इस स्थिति में आपको शांत ही रहना होगा। जिस तरह हर कोई दोस्त बनने लायक नहीं होता, ठीक उसी तरह हर कोई दुश्मन बनने के भी लायक नहीं होता। नंबर थ्री है जब लोग आपसे बात ना करना चाहते हों या आपकी बातों में इंटरेस्टेड ना हो। हाँ, जब लोग आपसे बात ही ना करना चाहते हों तो वहाँ भी शांत रहना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। अगर उस समय पर आप बोलते हैं तो लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगेंगे, और जब बेवकूफ़ समझने लगेंगे तो वो आपको नज़रअंदाज भी करने लग जाएंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। तो लोग आपको नज़रअंदाज करें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते नहीं कि उस स्थिति में बोला जाए। कौन सी स्थिति में? जब लोग आपसे बात ही ना करना चाहते हों। नंबर फोर पे है जब सामने वाला कुछ बता रहा हो तो उस स्थिति में भी शांत रहना चाहिए। जी हाँ, जब सामने वाला कुछ बता रहा हो तो उस वक्त भी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से आप सामने वाले की बात सुनते हैं तो उसी हिसाब से उसकी बात पर सही रिएक्शन दे पाते हैं, और इससे सामने वाले को भी यही लगता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं।